हेलो हमारे देश विदेश के माताएं बहनों भाइयों, नमस्ते प्रणाम। आप सब कैसे हैं? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं सुनील कुमार चौहान, मैं नगांती चौहान, स्वागत करते हैं अपने चैनल सुनील नगांती लाइव ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग कुछ ज्यादा ही खूबसूरत होने वाला है। पहले वाला ब्लॉग में हम लोग बताए थे वो सब इस वीडियो में आप लोग को सुनने को मिल जाएगा, जानने को मिल जाएगा ना जी, कि नगांती जी के देवर और देवरानी किस बात पे डिसाइड करने के लिए कुछ सरप्राइज है, वो सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और थोड़ा बहुत जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो फुल वॉच करके एंड तक देखा लो। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी ना पहले वाला ब्लॉग में बताए थे कि क्या डिसाइड करने के लिए, तो मम्मी जा रही है बाबा धाम, तो हम लोग भी सोच रहे हैं साथ में जाने के लिए। तो वही अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, और कंफर्म होगा तो आपको जानने को मिलेगा, नहीं तो आप लोग इंतजार करेंगे। सुनील भैया पहले वाला ब्लॉग में आपने बता दिया था लेकिन कुछ बताया नहीं, छुपा लेते हैं। तो यही बात थी दोस्तों। तो चलिए, वो तो आपको जानने को मिल ही जाएगा ब्लॉग द्वारा। अभी हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं वो सब आपको दिखाते हैं। नगांती जी ये चीज़ बना दीजिए, फिर मैं अपना ये कलर करना काम शुरू करूँ। अच्छे मंदिर कलर किए थे तुलसी मैया का, वही वाला कलर लाए के फ्रंट पे मंदिर, और ये भी एकदम उसी लगेगा। और यहाँ पे ना नगांती जी बनाएगी जैसे वो सूरजमुखी का फूल बनाई है, तो यहाँ पे भी सोच रहे बनाने के लिए दूसरा कलर से, पहले ये वाला कलर कर लेते हैं तो कैसे बनाती है। अच्छा ऐसे बनता है जी, आपको कैसे पता है? काम जितने इसको मिक्स करेंगे ना उतना इसका कलर कुछ अलग तरीके से दिखेगा ना जी। नहा धोवा के विजय ने दीप जला दिया था मंदिर के सामने, इधर देख सकते हैं बादाम और दूध खाएगा विजय। टाइम का बिल्कुल हवा नहीं चल रहा है दोस्तों, मौसम कुछ अलग तरीका का हुआ है, गर्माहट सा लग रहा, बारिश होगा। ये हुआ, बाहर मत गिरने दीजिए, बहुत महंगा है। चलिए अभी कुछ ही देर में कलर बन के रेडी हो जाएगा। रेडी हो गया है, अब इसको पानी में मिया बीवी का प्यार, बाप रे पानी में गिरा रखो उधर क्या एकदम बढ़िया। चलिए अब फाइनली इधर बन के रेडी हो गया, अब इसमें ना देखिएगा ज़्यादा ना गहरा हो ना कौन का, ठीक है? क्योंकि इतना सुंदर बनाना है कलरफुल कि सुबह और पानी लाओ। देख सकते जो उस दिन प्रसाद बनाने के लिए लाए थे इतना बचा था। तो अभी आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया कोई लापरवाही मत करिए, पैर का मामला है। तो अभी दोस्तों हम सुबह सुबह कितना नहीं हो रहा कि चलिए चलिए, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दो टैबलेट खाया उसके बाद जो ब्लॉग बनाया था मैंने, तो उसमें कुछ अलग सी मेरा चेहरा ऐसा हो गया था कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन फिर गुस्सा नहीं, दर्द दर्द जो बर्दाश्त करता है ना उसी को पता है। लेकिन अब कोई लापरवाही नहीं करेंगे, कल हो सकता है हम लोग जाएँ। दो दिन से बोल रहे हैं चलिए एक्सरे कराते हैं, एक तो अंदर का डर भी खत्म हो जाएगा, उसमें से एक्सरे से जो निकलेगा दवा चला देंगे। हाँ अभी काजल के मम्मी से बात किया मैंने, हम नगांती जी, तो बोल रही हैं ठीक है। आप उनका भी तबीयत थोड़ा डाउन है बताइए अपना, तो जाएंगे दोनों आदमी अपना ये पैर का एक्सरे करा लेंगे, पता चल जाएगा कौन सी दवाई चलाना है, क्या दिक्कत है और ना जी कितने दिन। आधा कांचा रोटी पका के आधा का बांध देंगे। अच्छा देख लीजिए जैसे भी हो, लेकिन फिर भी एक्सरे करा लेंगे तो एक पैर का मामला, इसमें अभी बहुत हम लोग के बच्चे अभी छोटे छोटे हैं कि नहीं। आइए तो जो वीडियो में बना लेते हैं, जो हमारा YouTube फैमिली को अच्छा लगे, रोज सोचते हैं कि हम कुछ और अच्छा काम करें कि हमारे YouTube फैमिली को मन भाए ना जी, यही ना सोच लेके चलते हैं। आ हमें उसका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, क्या कहते हैं सजा भी मिलता है कमेंट द्वारा, वो सब हमको मंजूर है, क्योंकि गलती करेंगे तो उसका सजा भी भुगतना है। और आप लोग कितने अच्छे हैं कि हमारा स्थिति समझ गए कि किस वजह से हमारा आपस में झगड़ा हुआ था दर्द के कारण,
नागांती जी, आपके बारे में कमेंट आ रहा था, भाभी जी से बता दीजिए कि उनको जितना आए है वो ही काम किया करिए, पैर मुचका है तो बैठाना उनका काम नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन बाकी जो आप कह रहे ना रोटी उस पर बांधने की, ये सब कर सकती है, लेकिन वो टेढ़ मेर करके हे भगवान इतना तेज चिल्लाया जैसे पानी से गरम से धो के ऐसे नस खींचा जाता है ना जैसे। नहीं नहीं नहीं, वैसे नस नहीं खींचा जाता है, अगर मुचका है ना तो नस पकड़ा जाता है कि कौन सी नस इधर उधर हुआ है। आंगुली खाली खींची दोस्तों, खींचने पर ऐसे की थी। हाँ अब बताइए, पैर को, पैर को ऐसे करी थी, पैर को बोल रहे ऐसे, मतलब पूरा आंगुली पकड़ ली थी ऐसे थी, तब बीच में आ नहीं किया, छोड़ दी, सीधे अपने स्वर्गीय पिता का नाम लिया था वो भी चिल्ला कर। आप बताइए झूठ क्यों बोलती है बीच में? हाँ तो और क्या, कभी भी किसी को तकलीफ होता है ना तो इसीलिए दो ब्लॉक भी गया, दर्द के मारे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या करे, जो हमारा स्थिति है, जो मन में फीलिंग है अपने माता पिता के प्रति, बेशक ना जी, तो मैं शो कर देता हूँ, बेशक आप लोग को थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारा जो है वो है, जैसे कि मैं एक बार कॉल दूँ नहीं तो आप लोग कहेंगे कि फिर ज्ञान बांटने लगे, तो आज मैं बोल ही दूंगा क्योंकि मैं छुपाता नहीं हूँ कुछ भी, जैसे कि भगवान भी नहीं देखते हैं, दिखते हैं हमारे मम्मी तो दिखती हैं, हमारे पिताजी भी हमारे आँखों के सामने दिखे थे, उंगली पकड़ के चलना सिखाए थे, तो हमें फर्ज है का उन, बेशक अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं याद रखता हूँ, उस दिन को भी बराता हूँ, कभी भी कोई चीज़ ना जी, जैसे सेविंग हो गया, कोई भी मैंने कार्य हो गया, आप लोग से बताता हूँ, तो ये मेरा मन है, मेरा दिल है, तो इसलिए आपको बता दिया, बाकी तो ना जी। हाँ तो चलिए, अभी ये सब बात कहेंगे तो आप लोग सोचेंगे कौन सी दुनिया में फिर घुसाने लगे सुनील भैया और नागांती जी, चलिए अभी काम करना शुरू करते हैं ना जी। ए नाजी नाजी, हाँ जी हाँ जी, कितने बार नाजी नाजी, हाँ जी हाँ जी, कहवाइएगा, किसने तोड़ा तो इतने अच्छे से क्यों करे आपने, क्यों तो कुर्सी पे गुस्सा कैसे उतार ली, क्या हुआ था कुछ? बैठी थी, गिर गई। बहुत बढ़िया, कभी भी कुर्सी को सही बैठा रहा, बताइए आपको चोट लग जाता तो फिर क्या होता, थोड़ा तरीका आप मेरे को समझा रही हैं, मैं तो ऐसी डगमगा डगमगा चल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कुछ टाइम, हे भगवान जी, इसको बना देंगे पर ऐसे किस कर दूंगी, चलिए कोई नहीं, इसको भी अब इसको बनाना नहीं है, 500 में 2 खरीदी थी, 450 में 2 खरीदी थी, एक ही बचा था, एक तो टूट गया था, एक तो टूट गया, मैं उस पे चढ़ के कुछ काम कर रहा था तो वो टूट गया, अभी ये तो ना जान कुछ था, उसको दरवाजा पर ऐसे कुछ बना रहे थे, टूट गया, देख सकते हैं फाइनली इधर सब्जी काट रही नागांती जी, अच्छा चलिए मैं दिखाता हूँ कहाँ तक कलर किया हूँ, खिला दी हूँ, हाँ तो और उसी में से तीनों बच्चे खा लिए, तो विकास का पहला व्रत था दोस्तों, हाँ सनु का, तो ये साबित करता है कि बच्चे कितने संस्कारी हो रहे हैं, कितने अच्छे हो रहे हैं ना जी, तो आप लोग प्लीज, वो भी व्रत हो रहा था, खेलते खेलते ना वो का बोलते भेलपुरी, 3 बजे करीब भेलपुरी खा लिए, जाके बोले मम्मी हम भूखे थे भेलपुरी खा लिए थे, तो हमको उसमें नमक रहता है, उस समय के बारे में था खेलने के चक्कर में, आज के कॉल उस समय अगले समय आज 8 दिन हो गए, अच्छा अच्छा तो चलिए कहीं आज भूख गया व्रत है ना, तो आप लोग प्लीज हमारे परवरिश को कभी आप लोग गलत नज़रों से और कमेंट द्वारा ना कहें, क्योंकि हम जो भी अपने तरफ से जितना हम बचपन में सीखे हैं अपने बड़ों से, वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, क्योंकि कभी आप तो जानते ही हैं ना जी, हाँ तो आप हमारे डांट को और हमारे प्यार दुलार तो नहीं देख सकते वीडियो में, लेकिन हमारा दिल का फीलिंग अगर आप लोग समझ सकते हैं तो प्लीज, बहुत अपने बच्चों से प्यार करते हैं शुरू से, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बड़े होकर कभी गलत राह पर चले, इसलिए थोड़ा बहुत डांट भी सुना देते हैं और नागांती जी भी ना जी, हाँ तो आज कुछ सब ना जी में बहुत घुल रहे मिल रहे, क्या चक्कर है जी,
अभी देख सकते किस डिजाइन से कलर हो रहा है, अलग ही दिख रहा है। चलिए अभी पूरा कलर कर लेते हैं ना। इतना सुंदर हो रहा है ना जी नगंद जी। आप लोग भी बताइए कमेंट में। ऊपर से रंगते हैं ना, ऊपर से रंग रहा हूं जी। होने छूट गोटे एक साइड में वो सब हो जाएगा। अभी अभी ये ना कुछ दिन चलेगा ना। अभी इधर यही कलर लिया पूरा ये थीम कर देता हूं। 5 मिनट तो हो जाए कैसे कलर तो लागल बटे। ये हो गया जितना हो गया, वो जो थोड़ा सा अधूरा है उसको कवर कर लो। हां हां उसके बाद दीपावली जब नजदीक आएगा ना तो 10 दिन पहले से इतना भी हां वही बोलिए बाकी है ना। तो रोपने पे थोड़ा चाव लगाते हैं क्या का सब्जी नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा है वो जो आप लगाई है ना उसका सीजन अभी नहीं है। वो धरती से हेती हो रहा है और सेम जो है अभी बड़ा ही नहीं है उसके लिए ना। पता है मैं क्या सोचा हूँ, हमारे यूट्यूब फैमिली भी कर रही थी ऐसे उसके जड़ के यहाँ ऐसे करके खाप के इतना ऊंचा ऊंचा करके और उसमें जो भी खाद आता है उसको रख के रोज पानी डालेंगे तो वो अलग देखो वो सब बना लेते हैं ना। कोई भी चीज़ में मेहनत करेंगे तभी फल प्राप्त होगा। चलिए भी अंदर दिखाती हूँ मैं क्या बना रही खाना में। सब्जी आलू और भिंडी क्या भुजिया भुजिया नमक डाल देते हैं। देख सकते हैं फाइनली इधर वाला दीवार कलर हो चुका है आ कितना सुंदर लग रहा है। अब इधर वाला भी कलर बचा है इसको कर लेते हैं। हमारी नगांती जी क्या कर रही है देख सकते, थोड़ा सा गिर गया कोई नहीं। इधर देख सकते अभी आटा सान रही है और सब्जी बन गई जी। कितना सुंदर लुक हुआ है जी, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग बोले हैं कि MB भैया बहुत महंगा हो गया, थोड़ा छोटा छोटा ब्लॉग डालिए जो हम लोग को मनोरंजन भी हो जाए और आप लोग का व्यूज भी आगे उठे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही एंड करते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक तो आपको पता ही है, रोजी बोलते हैं ब्लॉग में, टुक टुक 1632। आप हमें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, हम लोग से बात कर सकते हैं। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट द्वारा बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी करिएगा, लेकिन अपना आशीर्वाद जरूर बना कर रखिएगा। जो वीडियो शुरू किया हूँ नए डिजाइन में वो आपको पसंद आया कि नहीं कमेंट द्वारा बताइएगा ना जी। तो और एक दो शब्द अच्छा ना लगा हो तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, उसको कमेंट में बताइएगा, सुधार करेंगे। यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद।